और आगे की चीजों के बारे में जाने। आज का टॉपिक है हमारा यहाँ फिल्ड पे, एडिटिंग पार्ट है हमारा, डेटा हैंडलिंग का पार्ट है फिल्ड, इस पे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात, जैसे कि आप पे कुछ नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर मुझे इसका सम करना हो तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इक्वल सम और फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, एंटर मार, तब जाके सम होता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि अगर सम करना है तो दूसरा तरीका और भी है, आप ऑल्ट प्लस इक्वल प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका सम लग के आ जाता है, आपको सम टाइप करना और सिलेक्ट करने का झंझट नहीं होता। क्या कीजिएगा, ऑल्ट इक्वल, बाय डिफॉल्ट आपका सम लग जाएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि अगर आपने यहां मान लीजिए ये ब्लैंक है आपका, अब यहां पे आप ऑल्ट इक्वल करते हैं तो आपका सब नहीं आएगा, पूरा नहीं आएगा, आपका पूरा डेटा नहीं आएगा, छोटा डेटा आएगा। अब सम ही नहीं, आप बहुत सारी चीज कर सकते हो। आप यहाँ पे अगर क्लिक करोगे, यहाँ ऑटो सम होता है, इस ऑटो सम के नीचे इसको ड्रॉप डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारे चीज यहाँ पे दिखेगा। तो सारे चीज यूज कर सकते हो आप इसमें, आपको टाइप करने के अपने आप लग के आ जाएगा। उसके बाद बात आती है डेटा फिल की, जैसे कि मान लीजिए कि हमने कुछ नंबर लिखा, अगर सेम नंबर को नीचे तक भी नीचे भी लिख लें तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और नीचे तक इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है, नीचे तक इसको पेस्ट करते हैं। लेकिन हमारे पास एक और तरीका है कि आप उसको सिलेक्ट कीजिए, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे कर दीजिए कंट्रोल डी, कंट्रोल डी मतलब कि फिल डाउन, अगर राइट में लेके जाना है तो कंट्रोल आर फिल राइट, तो डी फॉर डाउन आर फॉर राइट, इसका यूज कर सकते हैं। अप और लेफ्ट के लिए आपको यहीं से मैनुअल करना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं, शॉर्टकट नहीं है। उसके बाद बात करते हैं सीरीज का, अगर मान लो कि हमें सीरीज लिखना हो तो क्या करते हैं, हम 1 2 लिखते हैं फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ अगर नीचे तक इसको ड्रैग कर देते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप 1 लिखो, सिलेक्शन बनाओ और यहाँ पे सीरीज के अंदर आ जाओ, सीरीज में यहाँ पे आपके पास बाय डिफॉल्ट कॉलम और रो सिलेक्ट हो, जो जिसे सिलेक्शन करोगे उसी तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्ट होगा और यहाँ पे लीनियर ग्रोथ आता है, लीनियर ग्रोथ बहुत सारी चीजें, बाय डिफॉल्ट लीनियर सिलेक्ट होता है क्योंकि हमें इंक्रीजमेंट चाहिए, तो लीनियर और स्टॉप वैल्यू यहाँ पे हमने 1 दे दिया, मतलब कि एक एक का गैप चाहिए, ओके कीजिए यहाँ पे। इसमें एक और चीज था, यहाँ पे स्टॉप वैल्यू, एक तो स्टेप वैल्यू था, दूसरा स्टॉप वैल्यू था। स्टेप वैल्यू मतलब कि एक से दूसरे के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, और स्टॉप वैल्यू मतलब मान लीजिए कि मुझे 15 तक चलना है तो सिलेक्शन जाए क्यों, कितना बड़ा क्यों ना हो, सीरीज जो है 15 तक का ही बनाएगा। अब यहाँ यहाँ मान लीजिए दो दो का गैप कर देते हैं और यहाँ पे ब्लैंक छोड़ते हैं, जहां तक सिलेक्शन है वहां तक होता है, दो गैप कर दिया, तो यहां से हमने सीरीज का यूज किया। हमने यहाँ पे लिनियर सिलेक्ट कर रखा था, अगर हम ग्रोथ सिलेक्ट कर ले और यहाँ पे 2 कर देते हैं तो ये क्या करेगा, 2 को प्लस नहीं करेगा, 2 को मल्टीप्लाई करेगा, ग्रोथ ही आ जाए, देखिए 2 1 मल्टीप्लाई 2 2 4 4 8 6 13 28 इस तरह से दिख रहा है। ये आपके सीरीज के अंदर का ग्रोथ, तो लीनियर ग्रोथ वगैरह कम यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं डेट,
मान लीजिए ना यहाँ पे 9 सितंबर सेलेक्ट किया, तो अब डे को डे वाइज लेके चलते हैं, तो जैसे नॉर्मल हम लोग करते हैं ना 1 2 3 4 ड्रैग करते हैं, सेम उसी तरह से आपका यहां पे दिख जाएगा। लेकिन इसमें भी अगर हम इसमें सीरीज के अंदर जाए, अगर हम वीकडे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो एक क्या करेगा कि मंडे टू फ्राइडे का डेट देगा, सैटरडे एंड संडे का डेट इग्नोर कर देगा। जैसे यहां पे देखिए 6 7 इसके अंदर नहीं है, 8 से स्टार्ट, क्योंकि 6 को सैटरडे था और 7 को संडे था। वीकडे फिर मंथ करते हैं तो मंथ वाइज जाएगा, ईयर करते हैं तो ईयर वाइज जाएगा। ठीक है, इसका यूज करते हैं। उसके बाद एक चीज और आता है, जैसे मान लीजिए कि हमने A1 लिख दिया, अब A1 को हम लोग जनरली ड्रैग करते हैं तो A2 A3 4 इस तरह से हो जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम माउस से ड्रैग ना करें, हम इसको मतलब कि मान लो कभी होता है ना ड्रैगिंग पॉइंट नहीं बनता, अगर ऑप्शन में किसी सेटिंग के साथ छेड़खानी कर दी तो फिर आपको ड्रैगिंग पॉइंट नहीं बनेगा। तो उस केस में हम यहां पे फिल के अंदर सीरीज के अंदर ऑटो थे ऑटो फल यूज करते हैं। ऑटो फल यूज करने से क्या होता है कि इस तरह से ड्रैगिंग पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी ने बोला आपको कि बिना सिलेक्शन किए इसको आपको ड्रैग करना है, तो उसके लिए क्या कीजिए, इसका शॉर्टकट कोई नहीं है, होगा तो मुझे पता नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अल्टरनेट की पे चलते हैं, हम अल्ट दबाएंगे, होम मेनू बार एक्टिवेट हो गया, एच फॉर होम, होम के अंदर गया, फिल हमारे गया FI है, हम FI करेंगे फिल के अंदर चले जाएंगे, और यहां पे आपके पास क्या आ रहा है सीरीज, एस फॉर सीरीज, और यहां पे हम क्या करेंगे टैब मारेंगे और यहां पे हम करेंगे फिल पे क्लिक करेंगे, एफ से फिल एफ के नीचे अंडरलाइन है, फिल पे क्लिक करेंगे और एंटर मार, तो सीरीज हो जाएगा। इसके लिए हमें ब्रेकिंग पॉइंट की जरूरत नहीं। तो सीरीज समझ में आ गया, सीरीज में कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट। अब सीरीज के बाद आगे बढ़ ये एक बोले सर, क्या एक छोटी सी चीज है ये सर, ये सीरीज में ये डेट के नीचे आ रहा था वेडनेसडे, वो क्या है सर? एक मिनट, एक ऑटो फिल था सर ये राइट, नहीं नहीं राइट हैंड साइड में सर, और ये वेंसडे आ रहा है ना लिखा हुआ, अच्छा वीकडे आ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बताया ना वीकडे, मुझे लगा वेंसडे, हाँ जी सॉरी सर, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारे पास आता है जस्टिफाई, जैसे कि हमने यहां पे लिखा जनवरी, मान लें कि कोई ऐसा है आपके पास रो वाइज बहुत सारे डेटा है, अब इस डेटा को आपको जैन फेब मार्च इस तरीके से कॉमा कॉमा करके आपको लिखना है, पता कि आपको जो है ना अलग अलग है, लेकिन इसको आप इकट्ठे इस तरह से लिखना था। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि आप नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर बात करो तो बहुत सारे जनरली क्या करते हैं कॉन्कॉर्डेंट यूज करते हैं, इस तरीके से ज्वाइन करते रहते हैं आप, सॉरी इस तरह से ज्वाइन करते हैं, तो लेकिन इसका एक और तरीका है, इसका तरीका क्या है कि आप कॉलम को बड़ा कीजिए, सिलेक्शन बनाइए, फिल में जाइए और जस्टिफाई,
जस्टिफाई क्या करता है कि जितना बड़ा कॉलन है ना, आज एक सेल को पूरा तरह से फिल करेगा, एक फिल हो जाएगा देन सेकंड फिल करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही में पूरा फिल कर देगा, अगर आपका कॉलम छोटा पड़ गया तो दूसरे में डाल देगा, फिर दूसरे में डाल दिया। तो कॉलम के साइज पे डिपेंड करता है, अगर कॉलम का साइज बढ़ा दोगे तो फिर अगर आप जस्टिफाई करते हो एक ही से कॉलम यहां पे आ जाएगा। अब यहां पे बात आती है कि जो स्पेस है ना, मुझे इसमें कॉमा चाहिए था, तो उसके लिए हम रिप्लेस यूज करेंगे, हम करेंगे कंट्रोल एच और बोलेंगे स्पेस को कॉमा के साथ रिप्लेस कर दे, स्पेस हमारा कॉमा के साथ रिप्लेस हो गया, आ गया। तो कॉन्कैटनेट करोगे, एक एक करने में काफी टाइम लगता है, तो यहां पे हमने अच्छे तरीके से इसका यूज कर दिया। लेकिन अगर मुझे उल्टा करना है, अगर हमें इसमें कॉन्कैटनेट लगा में और लगाना हो, जैसे हम स्पेस की जगह या कॉमा की जगह और लगाना चाहें, हाँ तो आप रिप्लेस में जो करना कर सकते हो ना। समझ गया सर। अब यहाँ पे बारी आती है कि अब मुझे यहाँ इसको उल्टा करना है, उसको उल्टा वापस करना है, एक एक सेल के अलग अलग करना है, ठीक है, वापस करना है उल्टा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए उसके लिए हम करेंगे, सबसे पहले तो उल्टा करना, उसको वाइस वर्सा करना पड़ेगा कि हम इसको कॉमा को रिप्लेस करेंगे स्पेस में। ठीक है, फिर कॉलम को छोटा करेंगे, उसके बाद सिलेक्शन बना लो और यहां से आप कर दो जस्टिफाई अलग अलग। तो एक तो था कि आप कंबाइन भी कर सकते हो, एक्सपेंड भी कर सकते हो जस्टिफाइज, इसका यही यूज होता है। दूसरा आपके पास एक्रॉस वर्कशीट आ रहा है, एक्रॉस वर्कशीट मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि हमने यहां पे कुछ लिखा हुआ है और मेरे पास 5 सीट है, एक्रॉस वर्कशीट तभी आपका हाईलाइट होगा जब आप मोर देन 1 सीट को सिलेक्ट करते, उसके बाद आप इसमें एक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक कर दीजिए। अब मुझे फिल जो 12 है ये बाकी सबों में फिल करना है, मुझे पूरा जैसा वैसा फिल करना है, हम हाँ वैसा फिल करना है। तो देखिए हर सीट में सेम लोकेशन में आपके 12 आ गए। अब मैं 12 को फॉर्मेट कर देता हूं, अब 12 की जगह पे 500 लिख देता हूं। अब मुझे इसको सिलेक्शन की इसको सिलेक्ट कर लिया और फिर इसको हमने कंट्रोल के साथ या शिफ्ट के साथ जो है सारे शीट को सिलेक्ट कर लिया, सारे शीट को सिलेक्ट कर लोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और साथ में ऊपर जो है ना बुक वन की जगह ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिल्म में आइए और यहां पे आता है क्रॉस वर्कशीट। अब मैं सिर्फ इसमें करता हूं फॉर्म, तो 500 जो है ना वो नहीं जाएगा, सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट हो जाएगी एक ही बार हर से। ओके, तो जनरली इसको हम कॉपी पेस्ट के जरिए भी कर सकते थे, लेकिन कॉपी पेस्ट में भी कोई दिक्कत कुछ डायलेशन आ जाती है, तो इसके लिए हम क्रॉस वर्कशीट, लेकिन क्रॉस वर्कशीट तभी हाईलाइट होगा आपको जब आप मोर देन 1 शीट को ग्रुप में सिलेक्ट करोगे तभी हाईलाइट होगा, वरना ये हाईलाइट नहीं होगा। आया समझ में सर? ठीक है सर। एक्रॉस वर्कशीट, एक्रॉस वर्कशीट का यूज ये होता है ना कि मान लो ना कि आपको एक चीज बहुत सारे शीटों में पेस्ट करनी है, तो आप एक एक कॉपी पेस्ट करोगे, उससे अच्छा कैसे यूज कर सकते हो, जैसे मान लीजिए कि आपको एक महीने पर डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से आपके पास रिपोर्ट है, 31 शीट है, अब 3100 शीट में मान लो कोई हेडिंग या कुछ ऐसी चीजें चेंज करनी है आपको, तो आप अलग अलग हर शीट पे मैनुअली करोगे दिक्कत हो जाएगी। अब एक ही चीज सब पे जाकर कॉपी पेस्ट भी करना है आपको, तो उस केस में आप एक बार क्या करो सिलेक्ट कर लो, आप बोलोगे सर कंट्रोल करके एक एक सब पे तो क्लिक करना ही पड़ेगा, तो उसका मतलब कि मुझे मान लो सिलेक्ट करना है तो एक एक सिलेक्ट करना ही पड़ेगा,
तो कंट्रोल जरूर करो फिर। अगर आपको बहुत सारा शीट्स है और इकट्ठे सबको सिलेक्ट करना है तो पहले पे क्लिक करो, शिफ्ट दबा के आखिरी पे क्लिक करो, पहले पे क्लिक करो, शिफ्ट प्रेस करो और आखिरी पे क्लिक करो, ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल यूज तब करते हैं जब बीच में कोई सीट छोड़ना होता है, मान लो शीट थ्री को छोड़ना है, कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करो, शीट थ्री हट जाएगा। इस तरह से आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो और फिर आप आगे जो ग्रुपिंग वगैरह यूज करते हो तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब बारी आती है, मान लो ये फॉर्मेट करता हूं इसको मैं, ठीक है। क्या होता है कि इसको हमें डिलीट करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे को सिलेक्ट करते हैं और इसको डिलीट मार देते हैं कंट्रोल माइनस। लेकिन अगर इससे कोई लिंक है, अगर मान लो जिससे मान लो कि ये हमारा लिंक है, फिर मैंने इसको डिलीट कर दिया, कंट्रोल माइनस कर दिया, क्या हो गया, ये एरर आ जाएगा। तो आरएस का एरर तभी आता है जब आपका रेफरेंस डिलीट हो जाता है। तो कई अगर से लिंक है आपसे, आप उसको डिलीट कर देते हो, डिलीट करना चाहते हो और आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो डिलीट मतलब क्या करता है, नया सेल आ जाता है, तो आप क्या करो, क्लियर ऑल कर दो, आप डिलीट मत करो, आपके पास यहीं पे होता है आपका क्लियर ऑल, ऑल क्लियर हो जाएगा, या फिर यहीं भी आपके पास होता है क्लियर फॉर्मेट, सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर होगा, फिर आपके पास आता है क्लियर कंटेन, जो डिलीट प्रेस करते हैं उसके यूज होगा, या फिर क्लियर कमेंट्स, जो कमेंट है वो कमेंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसका यूज हम करते हैं, तो आप फिल को जोड़ दो, तो आप फिल ऑटो समाउ की लिस्ट में, अब फिल के अंदर में 2013 में एक नया ऑप्शन आया है, चलिए उसको देख लेते हैं। अगर एक्सेल 2013 आप खोलेंगे तो आपके पास फिल में एक नया ऑप्शन दिखेगा, फ्लैश, ये अच्छा चीज है। अब एक बार मान लीजिए कि हम कुछ नाम लिखते हैं, नाम में से हम यहाँ पे लिख दिए सुजीत, कौन है जो बेल बजाई जा रहा है, क्या सर है, क्या उसको कहो कम, वो जो पापा के वहां अपने आप करेगी, ठीक। सिंह, नीरज कुमार, पूजा के भाटिय, इस तरह से बहुत सारा नाम है मान लीजिए। अब इनकी आपको फर्स्ट नाम और लास्ट नेम अलग करने, फर्स्ट और लास्ट, तो इसके लिए तो बड़ा पेचीदा काम। तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट के लिए कोई फर्स्ट नेम टाइप कीजिए, टाइप करने के बाद आप नॉर्मल एंटर मत प्रेस कीजिए, आप कंट्रोल एंटर टाइप कीजिए और उसके बाद आप यहीं पे फ्लैश फिल के अंदर में फ्लैश फिल पे क्लिक कर दीजिए, पूरा में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उधर से यहां पे मैंने सिंक किया, एंटर नहीं मारा, यहां पे मैं कंट्रोल एंटर मारा। सर आपकी आवाज ना नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आ रही थी और जा रही थी, समझ नहीं आया। अभी ठीक आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी सर, सर ये दोबारा बताइए, समझ नहीं आया। बेसिकली हमारे 2013 के अंदर में एक नया फीचर आया है फ्लैश फिल का, ठीक है। तो फ्लैश फिल क्या करता है कि अगर आपने यहां आपने बहुत सारा नेम लिखा हुआ है, अगर उसमें मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग करना है, तो यहां पे हम फर्स्ट नेम को टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद यहां पे नॉर्मल एंटर नहीं मारेंगे, यहां पे हम कंट्रोल एंटर मारेंगे और उसके बाद हम फ्लैश फिल पे जाके क्लिक कर देंगे, या शॉर्टकट इसका कंट्रोल ही होता है। ऐसे लास्ट लेन में यहां पे सिंग डालेंगे, कंट्रोल एंटर मारेंगे और फिर यहां पे जाके
फ्लैश फील पे क्लिक कर देंगे, अपने आप बाकी जितने आगे तीन थे और 3000 भी होते तो सारा अपने आप आ जाता। यही नहीं, अगर मान लीजिए कोई डेट वगैरह है, जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ पे डेट है आपका, तो डेट में किसी पर्टिकुलर मंथ वगैरह अलग कर सकते हो आप। ठीक है, मान लो इसमें से मुझे सिर्फ मंथ अलग करना है, तो मैं यहाँ पे सितंबर लिखूंगा और एंटर मार दूंगा, कंट्रोल एंटर मतलब एंटर, और फिर फ्लैश फील पे क्लिक कर दूंगा, बाकी अपने आप आ जाएगा। इसी तरह से अगर सेल के अंदर कुछ कोई भी जरूरी नहीं कि इंडेक्स हो डेट हो कुछ भी चीज लिखा है, उसमें अगर कुछ चीजें ऐसी रखनी है, कुछ चीजें अलग करनी है, तो वहां पे आप फ्लैश फील का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 2013 में फ्लैश फिल का यूज हुआ, इसके सिर्फ 2013 में ही है, बाकी जगह पे नहीं, तो आप लोग देख लीजिएगा सर। ठीक है, ठीक है सर, तो आज